हेलो, वेलकम टू माय पंडित। यहाँ हम चंद्र राशि के अनुसार जनरल प्रेडिक्शंस बताते हैं। अगर आपके और कोई सवाल है तो माय पंडित ऐप डाउनलोड करके हमारे एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्टली बात करें। माय पंडित के यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं रिलेशन और करियर बेस्ड प्रेडिक्शंस हर वीक, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मेष यानि एरिस, शुरू में कामकाज की वजह से आप रिलेशनशिप पर कम ध्यान दे पाएंगे। अब 2% नौकरी में लाखों का सावन न चला जाए, इस बात का ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा। वैसे मिड ऑफ द वीक अच्छा समय होगा, इन दिनों आप किसी चाहने वाले से बात कर पाएंगे। अनमैरिड लोगों के लिए गुड न्यूज, अच्छा रिश्ता आने की संभावना है, शादी की बात भी हो सकती है। हफ्ते के सेकंड हाफ में किसी खास के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने के चांसेस है। 31st और 1st तारीख थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इन दिनों आप तन्हाई पसंद करेंगे या फिर किसी वजह से आपको अपने लव वन से तन्हा रहना पड़ सकता है। हालांकि हफ्ते का आखिरी दिन इस बार आपके दिल और दिमाग में रोमांस का सैलाब लेकर आएगा। सैलाब तो इस हफ्ते प्रोफेशनल मोर्चे पर भी आने की संभावना है, क्योंकि शुरू से ही उत्साह और कंसंट्रेशन दोनों अच्छे बने रहेंगे। क्रिएटिव फील्ड, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, मशीनरी, इन सभी क्षेत्रों में प्रोग्रेस होना तय है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब, केमिकल, प्रिंटिंग, लिटरेचर और बैंकिंग में काम कर रहे लोगों के लिए केयरफुल रहना जरूरी है। अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हैं, तो क्रॉस योर फिंगर्स, क्योंकि कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। पार्टनरशिप में चौकन्ना रहना आपके लिए अच्छा है। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए ये गोल्डन टाइम है, लेकिन हाँ, जब भी जरूरत पड़े अपने बड़ों की एडवाइस लेना मत भूले। अगर मेहनत करते रहे तो आने वाले वीक्स में रिजल्ट जरूर मिलेगा। हफ्ते के अंतिम 2 दिन बोरिंग हो सकते हैं, कोई बात नहीं, आप टैलेंटेड है और सब्जेक्ट के थरो स्टडी के लिए मेहनत करते रहते हैं, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है।